1971 की जंग में सुलेमान की के महाज पर पाक भारत जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहिब कब्रिस्तान में पुरवकार तकरीब मुनक्द हुई। इस मौके पर जीओसी मेजर जनरल बिलाल अकबर ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातेहखानी की, जबकि फ्रंट एयरफोर्स रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहन निगहत और बेटे तैमूर शब्बीर का कहना था कि हर नौजवान को अपने शहीदों पर फख्र होना चाहिए, उन्हें भी इसी जोश और जज्बा के साथ मुल्क कौम की खिदमत करनी चाहिए। ये असल में हीरोज हैं आपके और इनकी लाइफ जो है उसको फॉलो करना चाहिए, और स्पेशली आजकल के माँ बाप को कि अपने बच्चों को इन हीरोज़ की लाइफ जो है उसको फॉलो करने की हिदायत है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें और उन लोगों के इन शहीदों के फुटस्टेप्स पे चलें जिन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट से अपनी जान दी, और इसी तरह अपने मुल्क की इज्जत को बढ़ाने के लिए वो भी इसी तरह इतनी लगन से काम करें कि दुनिया में हमारा नाम रोशन हो। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वो फौजी अफसर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एजाजात हासिल किए और भारत के खिलाफ दो जंगें लड़ी। उन्होंने 1964 में शमशीर एजाजी, 1965 में सितारा जुर्रत और 1971 में निशान हैदर हासिल किया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।